हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे फोर्थ सेमेस्टर बीटेक बी फार्मेसी वालों के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट भी कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं, जो कि एग्जाम रिलेटेड है। क्योंकि यार नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जामिनेशन वगैरह स्टार्ट होने की संभावना है। बाकी दोस्तों, आपको बता दें कि भाई आज की इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है, कि आपको जो भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन अवश्य रूप से मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 वीडियो में रेगुलरली आपको अपडेट दी है, कि जो आपके बैकलॉग एग्जामिनेशन हैं वो करंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ होंगे। एक दिन पहले बैकलॉग एग्जाम होगा, उसके जस्ट एक दिन बाद आपका करंट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। और अगर किसी को रेगुलरली पिछले प्रीवियस 2 सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो उसको थोड़ी दिक्कत जा सकती है। इसी के रिगार्डिंग रेगुलरली कमेंट आ रहे हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। कोई बोल रहा है 3rd ईयर में एडमिशन के लिए 2nd ईयर के ऑल सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के साथ ही 3rd सेमेस्टर के 2nd सेमेस्टर के बैकलॉग एग्जामिनेशन होंगे, साथ के साथ बी फार्मेसी वाले भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ही है कि बैकलॉग एग्जामिनेशन आपका करंट सेमेस्टर एग्जाम के बाद होगा। जैसा कि अभी नियम वगैरह चेंज हो गए हैं, इसके पहले बैकलॉग एग्जामिनेशन आफ्टर द करंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता था, जिसमें कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं जाती थी। लेकिन अब इस बार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, खासकर उनको जिसको 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में बैकलॉग है। क्योंकि एक दिन पहले 3rd सेमेस्टर का बैकलॉग एग्जाम देने जाना पड़ेगा और जस्ट 2nd डे आपको 4th सेमेस्टर करंट सेमेस्टर का एग्जाम देने जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम साथ ही में होंगे बैकलॉग का करंट सेमेस्टर का, इसलिए बाद में आपको दिक्कत ना जाए, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। जो आपका और एक और डाउट था कि भाई 2nd ईयर के ऑल सब्जेक्ट क्लियर होना आवश्यक रहता है, तभी जाके 3rd ईयर में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सेमेस्टर वैक या फिर ईयर वैक नहीं है, तो इजीली आपको 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मिनिमम 5 से लेकर 6 सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं है, तो फिर एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपके ऑल डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास और कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ज़्यादा हो तो इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर।